या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिक व असहाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिक व असहाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिक व असहाबिका या नूरल्लाह व अला आलिक व असहाबिका या नूरल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो मद्दी चाहिए नाज़रीन, आप सबको बच्चों की शाम के ईपी 142 में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वन हबा कहते हैं। प्यारे बच्चे मद्दी चाहिए नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं और हमारा सेगमेंट तो मुख्तलिफ होते हैं, तो मैं सेगमेंट भी बता देता हूँ। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, तिलावत कुरान पाक होती है, आई आर बी सी के सेगमेंट होता है, बच्चों का खबरनामा भी होता है, और तो और प्यारे साहबा आए वाक्य सुने और बुजुर्ग की तारीख भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। और पहला सेगमेंट कौन सा होता है? और हमारा सबसे पहला सेगमेंट है जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما आपकी आवाज में मजीद बरकत अता फरमाए। जी तो मद्दी चाहिए नाज़रीन, अगर आपसे हमारा कोई भी प्रोग्राम या कोई भी हिस्सा मिस हो जाए तो आप उसे फेसबुक क्रिस मद्दी चाहिए जाके देख सकते हैं, यूट्यूब क्रिस मद्दी चाहिए को सब्सक्राइब करें, और तो और सेम एड्रेस पर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। जी नियार भाई, आज का सवाल भी पूछ लें। जी रोजाना मद्दी चाहिए के नाज़रीन से एक सवाल किया जाता है, तो आइए वो सवाल कर लेते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो के बड़े भाई का नाम क्या है? इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हो के बड़े भाई का क्या नाम है? मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान ज़मीनो ज़मां तुम्हारे तुम्हारे लिए मकीनों मकान।
छुपे हुए खुर को फेर लिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, असर किया ये ताबो तवा, तुम्हारे लिए ज़मीनों ज़मां, तुम्हारे लिए मकीनों मकान, तुम्हारे लिए सबा वो चले जमा, तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें नाज़ शरीफ सुनाई, अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपकी आवाज में मजीद बरकत अता फरमाए। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, सोशल मीडिया का लिंक भी मैं बताता चलूँ, फेसबुक किड्स मदनी चैनल, यूट्यूब किड्स मदनी चैनल, इंस्टाग्राम पे भी किड्स मदनी चैनल और ट्विटर पे भी किड्स मदनी चैनल, इन सब प्लेटफॉर्म पे हमारा एक ही नाम से पेज बना हुआ है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल, उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा, रमज़ान में शुरू में हमने एक सवाल किया था मदनी चैनल के नाज़रीन से, आइए वो सवाल रिपीट कर देते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई का क्या नाम है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई का क्या नाम है? जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। जी कॉल पे कीजिए। मेरा नाम तैयबा नूर है। मेरा नाम उम्मे हबीबा है। आज हम नारे लगाएंगे, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हर जोजाए नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती। किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। जी बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दीजिए। मेरा नाम अब्दुल हादी है, मैं मुबारकपुर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको इंग्लिश में मदनी मकसद सुनाऊंगा। आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड द पीपल ऑफ इंटायर वर्ल्ड, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। जी तो निहाल भाई, हमें इंग्लिश में मदनी मकसद आया, उर्दू में भी मदनी मकसद है। जी जी तो हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक कत्तारिया है, मैं मटोटली से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब हजरत इमाम हसन है। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की, इंशाअल्लाह रिजल्ट प्रोग्राम के आखिर में दुरुस्त जवाब बताएंगे। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सदाम हुसैन अतारी है और मैं विहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की, इंशाअल्लाह दुरुस्त जवाब आपके प्रोग्राम के आखिर में मालूम हो जाएगा। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान।
हमें कौन से अरबी के अल्फाज सिखाएंगे? जी आज मैं आपको कुछ खाने की चीजों के बारे में बताऊंगा कि इन्हें अरबी में क्या कहते हैं। बताएं। जी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को सबको मेरे साथ मिलकर पढ़ना है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जी पढ़ते हैं अपनी पहली तस्वीर की जानिब। क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? खाना। खाना, हाँ खाना नजर आ रहा है। अब देखते हैं खाने को अरबी में क्या कहते हैं। जी दिखाइएगा, तामुन क्या कहते हैं? तामुन। क्या कहते हैं? तामुन। तामुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तामुन। तामुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तामुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा, ये आपको रोटी नजर आ रही है। जी रोटी को देखते हैं अरबी में क्या कहते हैं? जी खुबजुन। खुबजुन। रोटी को अरबी में क्या कहते हैं? खुबजुन। खुबजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खुबजुन। क्या कहते हैं? खुबजुन। क्या कहते हैं? खुबजुन। खुबजुन कहते हैं। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा, सालन। जी सालन को अरबी में देखते हैं क्या कहते हैं? जी इदामुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इदामुन। क्या कहते हैं? इदामुन। सालन को अरबी में क्या कहते हैं? इदामुन। इदामुन कहते हैं। जी अगेन दिखाइएगा, खाना। खाने को अरबी में तामुन कहते हैं। तामुन। खाने को अरबी में तामुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा, रोटी। रोटी को अरबी में खुबजुन कहते हैं। खुबजुन। क्या कहते हैं? खुबजुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा, सालन। सालन को अरबी में इदामुन कहते हैं। इदामुन। क्या कहते हैं? इदामुन। क्या कहते हैं? इदामुन। जी अगेन दिखाइएगा, खाना। खाने को अरबी में तामुन कहते हैं। तामुन। क्या कहते हैं? तामुन। जी खाने को अरबी में क्या कहते हैं? तामुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा, रोटी को अरबी में खुबजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खुबजुन। क्या कहते हैं? खुबजुन। जी अगली तस्वीर, सालन को अरबी में इदामुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तामुन। जी सालन को अरबी में क्या कहते हैं? तामुन। जी बच्चों मैं आपको याद करा रहा हूँ, आप लोगों को याद हुआ? किस किस को याद हुआ? जी आइए इसको और एक और बार याद कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। जी खाना, खाने को अरबी में कहते हैं तामुन। तामुन। क्या कहते हैं? तामुन। तामुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तामुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा, रोटी को अरबी में खुबजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खुबजुन। क्या कहते हैं? खुबजुन। क्या कहते हैं? खुबजुन। जी रोटी को अरबी में खुबजुन कहते हैं। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा, सालन। सालन को अरबी में इदामुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इदामुन। क्या कहते हैं? इदामुन। जी सबकी आवाज सब मिलकर पढ़े, क्या कहते हैं? इदामुन। जी एक बार और इसको याद कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाए। जी खाने को अरबी में तामुन कहते हैं। तामुन। क्या कहते हैं? तामुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा, रोटी को अरबी में खुबजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खुबजुन। जी आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, सालन को अरबी में इदामुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इदामुन। क्या कहते हैं? इदामुन। जी अभी इनसे कुछ सवाल कर लेते हैं। जी पहला किससे लेना है और क्या लेना? पहला इनसे ले लेते हैं। इनसे क्या पूछ रहे हैं? इनसे क्या पूछ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहम्मद हामिद दादा। जी आप बताइए खाने को अरबी में क्या कहते हैं? तामुन। माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। और किस किस ने याद किए हैं? जी इनसे ले ले। इनसे? इनसे। जी आप बताइए रोटी को अरबी में क्या कहते हैं? खुबजुन। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। जी अगला इनसे ले लेते हैं। इनसे ले ले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। साइम। आपका नाम क्या है? साइम। साइम रजा। जी सालन को अरबी में क्या कहते हैं? इदामुन। जी माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा हमजा भाई, आप हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में, अल्लाह पाक आपको आलिम बामल बनाए। कुछ कॉल्स ले लेते हैं। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद खजर रजा तारी है, मैं मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। इंशाल्लाह दुरुस्त जवाब आपको प्रोग्राम के आखिर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट कॉल। मैं गुलारची से सानो रहमान अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हजरत इमाम हसन। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अरुण बशीरती है, मैं फकीर वाली से बोल रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई का नाम हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आपने जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपको दुरुस्त जवाब पता चल जाएगा।
जी कुछ कॉल एक साथ दे दें। मेरा नाम मक्की अत्तारी है। आज के सवाल का जवाब है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी तो मदनी चैनल नाज़रीन हम भी यहाँ पे नारे लगाते हैं हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती। हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती। चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती। चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती। सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती। उस्मान गनी जन्नती जन्नती। मुआविया और अली जन्नती जन्नती। हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। हर जो जाए नबी जन्नती जन्नती। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दिलचस्प कहानी। बच्चों की शान। प्यारे मदनी मुन्नो, किसी शिकारी ने एक कौवे और एक तोते को एक ही पिंजरे में बंद कर दिया। तोते के लिए कौवा और कौवे के लिए तोता अजनबी था। तोता कौवे को देखता और दिल ही दिल में कुड़ता के मैं ये कहाँ फंस गया। ये कौवा काला कलूटा हर वक्त निगाहों के सामने रहता है। इसकी शक्ल तो ऐसी बुरी है अगर किसी दीवार पर इसकी तस्वीर बनी हो तो कोई इसके साए में आराम करना भी पसंद न करे। जो हाल तोते का था वही हाल कौवे का भी था। वो हर वक्त इस ख्याल से परेशान रहता था कि ये तो हर वक्त बोलता रहता है। अगर तकदीर में कैद होना ही लिखा था तो कोई खानदानी कौवा साथ ही होता। इसकी सूरत देखकर वहशत होती है। दोनों अपने अपने तौर पर कैद से निकलने की कोशिश करते लेकिन ना निकल पाते। एक दिन दोनों ने मिलकर पिंजरे को खोलने की कोशिश की और कैद से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गए। सबक। प्यारे मदनी मुन्नो, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि रंग नस्ल या आवाज की वजह से किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए बल्कि हम तो मुसलमान हैं और मुसलमानों को आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर रहना चाहिए। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम्हारा रब अज़्ज़ा वजल एक है और तुम्हारे वालिद एक हैं। सुन लो, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अलबत्ता जो परहेजगार है वो दूसरों से अफजल है। बेशक अल्लाह ताला की बारगाह में तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन आपने देखी कहानी और आपको इससे सबक मिला के एक साथ काम करने से जो काम अकेले नहीं कर पाते वो भी हो जाते हैं। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती। उस्मान गनी जन्नती जन्नती। मुआविया और अली जन्नती जन्नती। हर ज़ौजा ए नबी जन्नती जन्नती। हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। हमारा मदनी मकसद क्या गए अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी तो मदनी चैनल नाज़रीन आए आपके कुछ कॉल एक साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर अबीदतारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाम सईदा शतुल है। मैं सूर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका हुआ बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको आपके सवाल का इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाकल्ला खैरा। मेरा नाम लीना तारिया है। मैं पंजाब के शहर लोधरा से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। इंशाअल्लाह दुरुस्त जवाब आपको प्रोग्राम के आखिर में मालूम हो जाएगा। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शामी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी शामी भाई, आज अब हमें कौन सी न्यूज़ बताएंगे?
जी रमजान भाई, आज मैं आपको एक ऐसे केकड़े के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर ब्लू ब्लड पाया जाता है। केकड़े? जी हाँ प्यारे बच्चों, क्या आपने क्रैब्स देखे हैं जिन्हें उर्दू में केकड़े कहते हैं? इसके 8 पैर और बहुत सारे दांत होते हैं। ये पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रह सकते हैं। और आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक क्रैब के बारे में इन्फॉर्मेशन लाए हैं जिसमें बाकी जानदारों की तरह रेड ब्लड नहीं बल्कि ब्लू ब्लड पाया जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये क्रैब अटलांटिक और इंडियन ओशन में पाया जाता है और एक्सपर्ट के हवाले से की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक ये क्रैब इस प्लेनेट यानी अर्थ पर डायनासोर से भी ज़्यादा ओल्ड लिविंग एनिमल है। लेकिन अब इसकी स्पेशी यानी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और इस प्लेनेट से अब ये ख़त्म हो जा रहे हैं। एक्सपर्ट इस हवाले से मजीद कहते हैं कि इसमें मौजूद ब्लड का कलर ब्लू इस वजह से होता है क्योंकि इनके ब्लड में कॉपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से इनके ब्लड का रंग ब्लू होता है। और ये बहुत ही हैरान कन बात है, जबकि दूसरे जानदारों यानी एनिमल में ब्लड रेड होता है इस वजह से क्योंकि उनके अंदर आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों आपने देखा ये कितना इंटरेस्टिंग और यूनिक क्रैब है। जी तो शामिल भाई, आपने न्यूज़ बताई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नज़्म टाइम। चौकी शाम नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम, हमजा और हीरा अब्बू के साथ नाना अब्बू के गांव गए, हमजा और हीरा अब्बू के साथ नाना अब्बू के गांव गए, नाना अब्बू का गांव, नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए, नाना अब्बू का गांव, शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए, इरा एक फूल तोड़ने लगी, नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा, प्यारी बेटी फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए, हीरा ने केला खा कर छिलका वहीं फेंक दिया, नाना अब्बू बोले प्यारी बेटी केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है, कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया, कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने सेगमेंट नज़म टाइम, उम्मीद है नज़म अच्छी लगी होगी क्योंकि नज़म का नाम था नाना अब्बू का गांव। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में आपकी कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम अनिशा है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैं आज के सवाल का जवाब देना चाहूँगी। हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई का नाम हजरत इमाम हसन है। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकअल्लाह खैरा। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम बशरा नूर और मैं गुर्रा से बात कर रही हूँ। आज मैं अपना मनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, हमारा मनी मकसद क्या हो गए? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी इट्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल दे। मोहम्मद जाफर रजा
तारी मियांवाली से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई का नाम हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मैं आज नारे लगाऊंगा, हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। जी हम भी नारे लगा लें। जी हर सगा भी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सगा भी ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती, उस्मान ए गनी जन्नती जन्नती। जी तो मदी चाहिए नाजीन, बढ़ते अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। जी तो सबसे पहला सवाल मैं करता हूँ कि घड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा सीधे हाथ से इंसिल। आपने घड़ी पहनी हुई भी है? वॉच वॉच। रमजान भाई और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सीधे हाथ से लेना देना सुन्नत मुबारक है। सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से दें और सीधे हाथ से लें। जी अगला सवाल रमजान भाई, अगर हम सिक्स का टेबल सिक्स तक पढ़ें तो क्या जवाब आएगा? यार भी आपका टेबल सिक्स तक पढ़ना है। अच्छा शामीर भाई, शामीर भाई, न्यूज़ शामीर भाई का 36 कैसे हुआ ये आप बता दें, अगर सही हुआ तो गिफ्ट भी देंगे ना। 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। जी रमजान भाई। जी शामीर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आमीन। जी नियाल भाई अब आप सवाल करें। अच्छा मैं सवाल पूछूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का क्या नाम है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का क्या नाम है? कौन बताएगा? सबको पता है, जिन्हें जिन्होंने गिफ्ट ले लिया उनसे पूछ लेते एक बार। अच्छा उनसे पूछ लें। हमारे साइम भाई। हजरत आमना। और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। जी मैंने सवाल किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या है और उन्होंने जवाब दिया हजरत बीबी आमना रदी अल्लाह अन्हा। और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। जी अमीर अहले सुन्नत की सबसे मशहूर किताब का नाम बताइए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की सबसे मशहूर किताब का नाम बताइए। मुझे भी आया। अच्छा मगर बच्चे से पूछते हैं कि कौन सी? बच्चे से पूछ लेते हैं। हमजा भाई से। हमजा भाई बताएंगे तो तोहफा नहीं मिलेगा क्योंकि मिल चुका है इनको तोहफा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की सबसे मशहूर किताब का नाम फैजान सुन्नत है। और इनका जवाब क्या गया ये बताएं आप। क्या मैंने सवाल क्या किया था ये बताएं। आपने सवाल किया था कि अमीर अहले सुन्नत की सबसे मशहूर किताब का नाम बताइए और आपने जवाब क्या दिया? फैजान सुन्नत। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, मुसलमान पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? मुसलमान पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? उन्हीं को हर जिनको तोहफा मिल चुका है इनसे लेते हैं। रमजान भाई इनको तो तोहफा दे देंगे ना? को तो देंगे। पांच। पांच। ना तेज बोलो ना एनर्जी के साथ। पांच। आपका नाम क्या है ये तो बताएं। मोहम्मद इस्माइल। नमाजों के नाम बताएं आप। पांच नमाजें फर्ज है ना? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और नियाल भाई आप बता दें जवाब दुरुस्त है कि नहीं? सब। पहले तो तोहफा दे देते। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी नियाल भैया एक और अगला सवाल, पांच को इंग्लिश में फाइव कहा जाता है लेकिन ये बताइए कि फाइव की स्पेलिंग क्या है? पांच को इंग्लिश में फाइव कहा जाता है, फाइव की स्पेलिंग कौन सुनाएगा? दो बच्चों का आ रहा है जिनको तोहफा मिल चुका है उन्हीं से पूछ लेते हैं उनसे। आप बताएं। F I V E। और इनका जवाब आप सबसे पहले तो नाम बताएं आप। अहसम रजा। अहसम रजा।
आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी तो मदीचे के नाज़रीन, बच्चों की शाम प्रोग्राम में आपकी कुछ कॉल शामिल करते हैं, कॉल पे कीजिए। मेरा नाम फातिमा तारिया है, मैं से बोल रही हूँ। खाने को अभी मैं तो आमन कहते हैं, रोटी को अभी मैं खुबसून कहते हैं, सालन को अभी मैं इदामुन कहते हैं। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जी आपका जवाब दुरुस्त है, तो हम जब वही बताएंगे हमें। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब किल्लाउ खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। रमजान भाई, बच्चे कॉल करके अरबी के अल्फाज भी सुना सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है, मैं उमान से बात कर रहा। आज मैं आपको अरबी अल्फाज सुनाऊंगा। रोटी को अरबी में खुबज़ुन कहते हैं, सालन को अरबी में इदामुन कहते हैं, खाने को अरबी में तुमुन कहते हैं। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी भाई, मुझे लग रहा है इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जी खाने को अरबी में तामुन कहते हैं। जी ये ओमान से कॉल करते हैं और रोज करते हैं। माशाल्लाह जोजल अहमद रजा भाई हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद मोहम्मद रहम है, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। रोटी को अरबी में कहते हैं खुबज़ुन और सालन को अरबी में कहते हैं इदामुन। जी रजा भाई का भाई। जी इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह जोजल इसी तरह कॉल्स करें और अरबी के अल्फाज सुनाएं। जी नेक्स्ट कॉल। पाक पतन शरीफ से अम्मान अशरफ अत्तारी बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े भाई का नाम इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकअल्लाह खैरा। जज़ाकअल्लाह खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की, इंशाल्लाह तो जवाब आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। मेरा नाम इरहा फातिमा है, मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। जी रमजान में कुछ कह रहे थे। जी नारे लगा रहे थे हम, हर सगा भी ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, मुआविया और अली जन्नती जन्नती, चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती। जी तो मदीचे के नाज़रीन, आए बढ़ते अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक पैगाम। बच्चों की शान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे मदनी मुन्नो, प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं किड्स मदनी चैनल पे प्रोग्राम बच्चों की शाम, और इस वक्त वक्त हुआ है एक पैगाम का। तो मैं भी आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ, बहुत प्यारा पैगाम है, आपको भी फायदा होगा इंशाल्लाह, और आखिरत में इस पे अजर सवाब भी मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो ये है कि हम बैठते तो है ही, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होने की हैसियत से, हमारा बैठने का तरीका भी इस्लामी होना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। जब हम आशिक रसूल हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे बैठने के अंदाज में भी सुन्नतों की झलक होना चाहिए। चार जानों बैठना ये भी सुन्नत से साबित है, और इस तरह ज़मीन पर बैठना कि अपनी दोनों पांव अपने घुटने खड़े कर लिए जाएं और हाथों को यूं घुटनों के इर्द गिर्द डाल लिया जाए, तो ये भी सुन्नत है। इस तरह बैठना भी सुन्नत है। और जब भी बैठें तो ये ख्याल रखें कि बैठते हुए पर्दे में पर्दा हो जाए। पर्दे में पर्दा होने का मतलब ये है कि अगर आप जो ट्राउज़र पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं या पजामा पहने हुए हैं, उसकी हेड ऐसी ना हो कि जिससे आपके आज़ा या आपके जिस्म जो है वो ज़ाहिर हो रहा हो, इससे बचें। इसी तरीके से जब आप बैठें तो किबला रू बैठें, कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर किबला रू बैठा करते थे, काबतुल्ला शरीफ की तरफ रुख करके बैठना नबी करीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, आपकी सुन्नत मुबारक है। तो हम भी इस नियत से बैठेंगे तो इंशाल्लाह अजर व सवाब भी बढ़ेगा, बल्कि बिलखसूस जब आप सबक याद करने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त ये अंदाज अपनाएंगे तो इसकी बरकत से हमारे असातिज़ा ने बताया कि इंशाल्लाह सबक याद करना भी आसान हो जाएगा। जब आप बैठें तो बैठते हुए इस बात को ख्याल रखें कि
आधी धूप आधी छांव इसी जगह पे ना बैठे। अगर आप पहले से बैठे हुए छांव में और अब आधी धूप हो गई है तो वहां से उठ जाएं, हदीस पाक में इस तरह से बैठने से मना फरमाया गया है। इसी तरीके से जब आप बैठें तो कभी भी उस्ताद पीर साहब या जो बड़े हैं घर के उनकी तरफ पांव ना हो, उनकी तरफ उनकी जो सीट है या जिस जगह पे वो ख़ास तौर पे बैठते हैं मखसूस है उनके लिए, तो उस जगह पे ना बैठें, ये अदब के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला हमें बैठने की सुन्नतों पे, इसके आदाब पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की हम भी नियत कर देंगे, हम भी सुन्नत के मुताबिक उठेंगे बैठेंगे और उस जगह पे नहीं बैठेंगे जहाँ पे आधी छांव और आधी धूप। जी रमजान भाई, हमने शुरू में एक सवाल पूछा था, आइए उसका दुरुस्त जवाब बताते हैं। मैंने सवाल किया था कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हो के बड़े भाई का क्या नाम है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हो के बड़े भाई का क्या नाम है, और इसका जवाब, इसका दुरुस्त जवाब है इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हो, इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हो। रमजान में जिन जिन बच्चों ने हमें इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हो के बारे में बोला उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो बंदी चाहिए नाजीन, इसी के साथ हमारे तमाम सेगमेंट्स मुकम्मल हुए, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम तक जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही